आप देख रहे हैं 7 डे न्यूज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा अरविंद केजरीवाल पर तंज। आपको बताया ध्यान भटकाऊ पार्टी। सोमवार को दिल्ली की आप सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप नेता अपनी कुछ मांगों को लेकर राजनिवास में ही धरने पर बैठ गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर उठाए पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पद पर सीधी भर्ती को मोदी सरकार की विफलता बताया। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विभागों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सीधे संयुक्त पद पर नियुक्त करने का फैसला खतरनाक प्रवृत्ति है। क्रिकेट के सम्राट सचिन तेंदुलकर के बाद युवा क्रिकेटर विराट कोहली ने चमकाया नाम। नियमित कप्तान विराट कोहली बीसीसीआई के सालाना पुरस्कार समारोह में आकर्षण का केंद्र बने और लगातार 2 सत्र के लिए पॉली उमरिगर ट्रॉफी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की उपाधि प्राप्त की। भारत के भगोड़े सरकार की गिरफ्त से बाहर। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक चूना लगा चुके माल्या के बाद नीरव मोदी ने ब्रिटेन की शरण ली। ब्रिटिश मंत्री बेरोनेस विलियम्स ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ मुलाकात में पुष्टि की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता मुंबई में लगवाए पोस्टर। राहुल के स्वागत में मुंबई हवाई अड्डे के बाहर सड़कों पर भावी प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक छावड़ के साथ स्वागत सम्मान में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। अमेरिका जाएंगे उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग। ट्रंप ने दिया न्योता। उत्तर कोरिया की सरकार समाचार एजेंसी केसीएन ने बुधवार को कहा कि किम जोंग ने मंगलवार को ही ऐतिहासिक वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उत्तर कोरिया आने का निमंत्रण दिया है। साथ ही किम ने अमेरिका का दौरा करने का ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार किया। राहुल गांधी को बिना तलाशी अदालत में एंट्री क्यों, भड़क गए शिकायतकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया था। संघ सदस्य राजेश कुंते ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राहुल मंगलवार 12 जून को भिवड़ी की अदालत में पेश हुए। रमजान के पाक महीने में नापाक हरकत। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर के साबा के चंबियाल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। खबरों की माने तो बुधवार को इस हमले में भारत के 4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के छात्रों को सुनाए जाएंगे संत महात्माओं के प्रवचन। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों के तहत महीने के प्रत्येक तीसरे शनिवार को संत महात्माओं के प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में वर्ष 2018-19 के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को 5 मिनट के लिए बाल सभा आयोजित करने के साथ साथ महीने के प्रत्येक पहले शनिवार को महापुरुषों का जीवन परिचय छात्रों को सुनाया जाएगा। हर महीने दूसरे शनिवार को प्रेरणा देने वाली कहानियां और नैतिक मूल्यों के बारे में छात्राओं को भी बताया जाएगा। आप देखते रहिए गीतम सिंह के साथ 7 डे न्यूज़।